Hello friends, welcome back to my channel. Last week Sifat Didi ka birthday tha. Ab wo badi ho gayi hai na. अब वो पूरी 2 साल की हो गई है ना। मैं रात को चला गया था उनके घर केक लेके। वहाँ 4-5 केक और भी आए हुए थे। मेरा तो मन कर रहा था सारे केक में उंगलियां मार दूँ। बट मैं अच्छा बच्चा हूँ ना, तो केक कट होने की वेट करी मैंने। सिफत दीदी के बर्थडे पे उनको न्यू स्विंग मिला है ना, मैं तो वही झूलता रहा। और बैलून्स के साथ भी बहुत खेला, बड़ा मजा आया। नेक्स्ट डे हम बर्थडे पार्टी के लिए हम ली मेरिडियन होटल गए थे। वहाँ पे मैंने बड़ा एंजॉय किया। एक नई चीज सीखी है मैंने, ये देखो। थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, ओ थप्पड़ पड़ेगा। आपको शैतानी करूंगा ना, तो खुद ही अपने आप को एक लगा लूंगा। ऐसे ही किसी को क्यों तकलीफ देनी ना। मेरिडियन होटल में ज्वेलरी शॉप भी है। मैंने सोचा कि मैं मम्मी को न्यू ज्वेलरी ले दूं। बहुत दिनों से मम्मा ने कुछ लिया नहीं है ना। भैया ये कितने का है? ये 8 लाख का। और ये वाला? ये वाला भी 10 लाख का। अरे इतना महंगा? छोड़ो ना, मम्मी के पास इतनी ज्वेलरी पड़ी है। हाय, घूम घूम के थक गया हूँ। जब तक ये फोटो सेशन कर रहे हैं तब तक मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, फिर केक काटने चलते हैं। अरे कोई मेरे साथ भी फोटो खिंचवा लो। चलो आप केक काटने चलो। चलो आज के लिए इतना ही। मेरा मैगी के साथ वॉक पे जाने का टाइम हो गया है। अरे फंस गया मैं, कोई हेल्प करो।
अब अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये मैगी के दांत देख रहे हो ना, ये रोज ब्रश करती है इसलिए एकदम साफ है। आपको थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। बाय बाय।